आप सभी को जिंदा नाम में जय मसीह की वो जिंदा खुदा आपके और मेरे हमेशा साथ है। हालेलुया। आज आपने वीडियो के स्टार्टिंग में टॉपिक पढ़ा होगा, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या करा है। सबसे बड़ा डाउट यही होता है हम सबों की लाइफ में, जो कोई भी अदर पर्सन हमसे क्वेश्चन पूछता है कि यार आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, उसकी सेवा करते हो, उन्होंने आपके लिए क्या करा है। उस टाइम पर ना कई लोग, चाहे वो विश्वासी होता है, धर्मी होता है, लेकिन कई बार उसके साथ क्या होता है, वो एक मिनट में स्टॉप हो जाता है। वो सोचता है प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या करा है। क्योंकि मैंने बीते हफ्ते काफी लोगों से क्वेश्चन करा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या करा है, तब लोगों ने बताया, आंसर बताया, लेकिन डाउट था उनको, सोच सोच कर बताया। बट आज मैं क्लियर एंड करेक्ट आंसर बताऊंगा आपको कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या करा है। सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए ना अपनी सारी खुशियों को त्याग दिया। उसने अपनी हर एक चीज को सैक्रिफाइस कर दिया सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए। मैं बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या करा है। यार हम उसकी सेवा करते हैं, सुबह उठ के बाइबल पढ़ते हैं, रात को सोते वक्त बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब भी कोई हमसे मदद मांगता है या मेरे लिए प्रेयर करना, हम उसके लिए प्रेयर करते हैं। क्यों यार, प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा है हमारे लिए। बताने से पहले ना आप अपनी बाइबलों को ले लीजिए, हमें वचन निकालेंगे जो आपको मिलेगा, यूहन्ना 3:16 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। हालेलुया। अभी हमने क्या पढ़ा वचन में कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। चलो ठीक है, परमेश्वर ने तो अपना बेटा कुर्बान कर दिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा। उस पिता ने अपना बेटा कुर्बान तो कर दिया, लेकिन कुर्बानी दी किसने, प्रभु यीशु मसीह ने, किसके लिए। और आज हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा इधर चले जाओ, ऑब्वियसली बात है मैं भी जाऊंगा, अपनी माँ बाप की बात मानूंगा, अगर बच्चे समझदार हैं, माँ बाप के सुनने वाले हैं तो सुनेंगे। यूथ जवान ऐसे होते हैं, वो अपनी अपनी चलाते हैं, माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुनते, ऐसे लोगों से बात ही करना बेकार होती है, मत करा करो। लेकिन उनके लिए प्रेयर आप जरूर कर सकते हो। हाँ, हम किस पर थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की बात मानी। पिता ने कहा देख तुझे जाना है, मेरे बच्चे नीचे दर्द में है, पाप में डूब रहे, उन्हें आजाद करना है। प्रभु यीशु मसीह ने ओके डैड, ओके फादर, तैयारों में जा रहा हूँ। कहीं अगर बोले आपको कि देख तुझे वहां जाना है, वहां पे आके तेरे को चाटे मारेंगे, तेरी डाड़ी नोची जाएगी, तो वो भालों से मारा जाएगा, तेरे पे इल्जाम लगाया जाएगा झूठा झूठा, तब देख लियो। तो अगर मुझे कोई बोला नितिन देख अगर तुझे जो वहां जाना है, वहां पे आके ना दो लड़के निकल के आएंगे, तेरे चाटे चाटे मारेंगे, लात घूसे मारेंगे, तो यार मैं तो जाऊंगा ही नहीं, मैं पागल थोड़ी ना हूं यार, मैं जाऊं पिटने जाऊं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह पागल थे। कि वो क्यों पागल थे, उन्होंने आपसे और मुझसे ऐसा प्यार किया है कि उसने अपनी जान तक आकर दे दी। किसी ने कराया नहीं ना, तो सुन लीजिए, कोई आपसे आज के बाद बोलेगा ना कि तेरे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कराया, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने ना मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाई, उसने अपनी जान तक मेरे लिए दे दी, ताकि मैं आजाद रह सकूं, खुशियों की जिंदगी जी सकूं और अनंत जीवन पा सकूं। उसने अपना जीवन दांव पे लगा कर ना मुझे एक अनंत जीवन दिया है, एक नई जिंदगी दी है। जैसे कि खुदा का एक वचन बताता है, वो हमें रोज नया बल दिए जाता है, और हम कभी भी गिरते हैं ना, वो हमें उठाए खड़ा कर देता है। क्यों, क्योंकि उसने हमसे ऐसा प्यार करा है। अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है, प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने पापा की बात मानी, परमेश्वर की बात मानी, उन्होंने अपना काम सक्सेसफुल कर दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया, और जैसा उन्होंने उनको करना था वो पूरा हो गया, उन्होंने अपनी जान दे दी मेरे लिए और आपके लिए, और हमें हमारे पापों से आजाद कर दिया। लेकिन अब मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो सुनिए ध्यान से, उसने तो मेरे लिए जान दे दी ना अपनी, लेकिन अब मैं उसके लिए ऐसा क्या करूं जो उसकी जान, उसकी कुर्बानी वेस्ट ना जाए, खाली ना जाए, खराब ना जाए। तो मेरा कर्तव्य यही है सबसे बड़ा, कि जिन जिन पापों को प्रभु यीशु मसीह ने हमें करने से मना कराया ना, उनको करना ही नहीं है।
अब पाप में क्या क्या आता है, आप सब लोग काफी समझदार हो, क्योंकि जो लोग फोन चला सकते हैं वो सब समझदार ही होते हैं। फ्रेज रोल, तो आप लोगों को पता है पाप में क्या क्या चीज आती है, वो नहीं करनी है। अगर 2 मिनट के लिए भी आपने पाप कराना तो आपके दिल के अंदर ना इस ये चीज रहेगी कि यार प्रवेश मुझे मिली जान दी है, मैंने पाप क्यों करा। कभी हमसे कुछ गलती हो जाती है ना, तो सबसे पहले हमारे मन में, अगर हम धर्मी हैं, अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम प्रवेश मुझे प्यार करते हैं, तब तब ही ये चीज हमारे अंदर आई, रियलाइज होगा हमें क्या हमसे गलती हो गई। कुछ बंदे होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं गलत करने के बाद भी उन्हें रियलाइज ही नहीं होता मैंने क्या करा क्या नहीं करा। फिर भी समझिए के बच्चों को ना, अगर छोटी सी गलती हो जाती है ना उनसे, तो उनको बहुत बड़ा दुख लगता है, क्योंकि उसके पिता के आगे, क्योंकि हमारे पिता के आगे फिर भी समझ के बच्चे हमें ये चीजें नहीं बताते, अलाउ नहीं करते गंदे काम करने के लिए। इसलिए धर्मी लोगों को, विश्वासी लोगों को ना डर लगता है, डर नहीं, हाँ डर लगता है जब कुछ पाप हो जाता है, या मुझसे गलती हो गई, मेरे प्रवेश मसीह ने तो मिल लिया जान तक दे दी कि ताकि मैं इन गलतियों को ना दोहराऊं ना करूं। लेकिन प्रवेश मसीह ने हमको माफ कराया, क्यों, हमें आजाद कराया अपने लहू से। अगर आपसे कभी गलती भी हो जाए ना, मैं तो ये बोलूँ गलती ना हो, बट अगर गलती हो भी जाती है, इस चीज को लेकर ना बैठना कि हाँ मुझसे गलती हो गई मैं क्या करूंगा ये वो, कुछ भी नहीं, बस ये याद रखना है मेरे प्रवेश मसीह ने जान दिए मेरे लिए, और जान इसलिए दी है कि उसने मेरे सारे पापों को ले लिया और मुझे आजाद करा है, तो मैं आजाद हूं, कोई शैतान का बस नहीं, उसका राज नहीं जो मेरे ऊपर आके चढ़ाई करे। ओके, डरना नहीं है शैतान से, पाप नहीं करना है। एंड आज जो हमारा टॉपिक था, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या करा है, पता चल गया क्या करा है। और जिन लोगों को नहीं पता ना, जो लोग जा जाके पूछते हैं अबे तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा है, अरे क्या करा है बता दो, उन लोगों से पूछने से पहले ना इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, पता चल जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और तुम्हारे लिए क्या करा है। जिन लोगों को पता भी नहीं है ना प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा है, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए भी जान दे के चले भी गए, उन लोगों को अभी तक नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा है। सो प्लीज किसी से क्वेश्चन पूछो, या कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा है, ये बोलना। अब तो आपको पता ही चल गया क्या बोलना है, कि उसने अपनी सारी खुशियों को त्याग दिया, अपनी सारी जरूरतों को सैक्रिफाइस कर दिया, किसके लिए, मेरे लिए और आपके लिए, और मुझे एक आनंद जीवन दे के गया है वो, और मेरे पापों को अपने ऊपर ले गया ताकि मैं नाश ना हूं वरन आनंद जीवन पाऊं। उसने अपनी जान दे दी, कुर्बानी दे दी, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आगे पाप ना करूं ना दोहराऊं। फिर मैं इसी चीज को बोलूंगा एक बार और, लास्ट बार बोलूंगा, कि कोई आपसे पूछे कि तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा है, आपके पास एक जीता जागता आंसर है कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने, ऐसे नहीं बोलना कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी ताकि मैं आजाद रहूं, वरना ऐसे भी नहीं बोलना कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने जान दे दिया ताकि मैं आजाद रहूं। डरना नहीं है किसी से, हमें डरना सिखाया नहीं है प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि जब वो मेरे साथ हो तो मैं डरूं किससे, क्यों डरूं, कैसे बोलना है, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने जान दे दी अपनी सूली पर और मुझे एक आनंद जीवन दिया है, अपनी सारी खुशियों को त्याग दिया सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, और मुझे एक नया जीवन दिया है और मुझे एक आजादी दी है, तो क्यों ना मैं उसकी जय जयकार करूं। प्रेज लॉर्ड। जो बंदा आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा है, तुमने तो आंसर दे दिया, अब उससे भी पूछ लेना तुम्हारे 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 लोगों ने तुम्हारे लिए क्या करा है, वो बंदा खुद समझ जाएगा सामने वाला। खुदा बाप आप सबों को खूब आशीष और बरकत दें, ऐसे बढ़ते रहिए खुदा बाप में, खुदा आपकी सेवा करते रहिए, एंड मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी करवा देना। बाय, प्रेज द लॉर्ड। जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा।